अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद इस्तकबाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स बिगिन द ज्यादा किस्म का ओजीओ, मोर देन टाइप ओजीओ। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी। इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो हमें और दो कॉलम यहां पर नए से बना लेना होगा। तो दो कॉलम क्या है यहां पर देखेंगे दोस्तों। दो कॉलम इस तरीके से बना लेने के बाद हम यहां पर इनको नाम देंगे क्लास मार्क और नेक्स्ट वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दो कॉलम आपको बना लेने हैं। अभी मोर देन टाइप ओजीओ है, ज्यादा किस्म का ओजीओ है, तो ज्यादा किस्म के ओजीओ में हमें लोअर लिमिट को इस्तेमाल करेंगे। दीज आर दी लोअर लिमिट्स, 45, 50, 55 लोअर लिमिट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा। नेक्स्ट वन इज 50 से ज्यादा। आपको याद होगा जब हम कम किस्म का ओजीओ वीडियो देखे थे आप, उसमें हम यहां पर उसमें हायर लिमिट इस्तेमाल किए थे। कम किस्म के ओजीओ में हायर लिमिट इस्तेमाल की जाती है और ज्यादा किस्म के ओजीओ में लोअर लिमिट इस्तेमाल की जाती है। तो इसी तरीके से हम यहां पर 45, 50, 55 ये लोअर लिमिट इस्तेमाल करूंगा, 55 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 65 से ज्यादा, 70 से ज्यादा। दोस्तों याद रहे अब फिलहाल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये दो कॉलम वो नहीं देगा, यही दो कॉलम वो रेडीमेड आपको बना बनाया क्वेश्चन जो है आंसर भी आपको मिल रहा है। तो इसके बारे में ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब पिछले 2-3 सालों में जो है क्लास मार्क दे रहा है और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी एड करके दे रहा है, आपको जो है ये याद रखना जरूरी है। दोस्तों यहां पर मोर देन टाइप ओजीओ में नीचे से हम ऐड करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे, लेस देन ओजीओ में ऊपर से ऐड करते हुए नीचे जाते थे, याद रखते दोनों में ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले नीचे जो नंबर है वो एज इट इज यहां पर लिखना है, 26 की जगह 26 आएगा, ऊपर उसे ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम है 28 प्लस 26, बाद में ये 26 को उसमें ऐड करना है, इट इज 54। नेक्स्ट इज 24 यहां लिख लीजिए, 24 नीचे वाला नंबर प्लस 54 इज 78। नेक्स्ट इज 12, ये नंबर 12 है, 12 प्लस 78 इट इज 90। नेक्स्ट वन इज 8 प्लस दिस 90 98। लास्ट वन इज 2 प्लस 98 इट इज 100। तो यहां पर मेन चीज यहां पर याद रखने की कोशिश कीजिए कि अब जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये दो कॉलम नहीं दे रहा है, ये दो देता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया जाता है, 45 से ज्यादा 100, 50 से ज्यादा 98, 55 से ज्यादा 90, इस तरीके से वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे रहा है। आपको जो है ये ज्यादा इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पास तीसरा और चौथा कॉलम मिल गया, हम इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेना है। एक्स एक्सिस में हमें क्या करना है, क्लास मार्क यानी 45, 50 इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, और उसके बाद में वाई एक्सिस में हमें इस तरीके से नंबर्स डाल लेना है। हमेशा जो एक्स एक्सिस है उसमें हमें ये क्लास मार्क को इस्तेमाल करेंगे, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एक्स एक्सिस में हमें लेना है।
वाई एक्सिस में हमेशा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर ऐड करके बना चुके हैं 100, 98, 90, ये पॉइंट्स को हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक मुनासिब स्केल की मदद से यहाँ पर ले रहा हूँ 45, 50, 55, 60, 65, 70, ये हो गया, ये फिक्स रहेंगे। यहाँ पर जो है हमें 10 से 100 तक नंबर यहाँ पर ग्राफ शीट में लेना है। तो याद रहे सबसे पहला पॉइंट है 45 यहाँ पर है, तो 45 के लिए हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो कॉलम है उसे 100 में मार्क करना है। 45 कितना है 100, तो मैं यहाँ पॉइंट डाल रहा हूँ 45 100। नेक्स्ट क्या होगा 50 98, नेक्स्ट 50 98, लगभग यहाँ पर 98 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको पॉइंट इधर आएगा। आप ग्राफ शीट में अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपका ये जो है मोर देन टैप हो जो आपको हासिल होगा। नेक्स्ट है 55 के लिए कितना है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 90, 55 के लिए हम 90 यहाँ पर होगा, 55 के लिए 90 यहाँ पर हमें प्लॉट करेंगे इसे। नेक्स्ट वन इज 60 के लिए 78 मार्क करना है, एक्स एक्सिस में 60 और यहाँ पर 78 लगभग जो है इधर 78 आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 65 के लिए 54 50 यहां पर है, 54 थोड़ा ऊपर। लास्ट वन इज 70 के लिए 26 कहां है 20 इधर है तो थोड़ा ऊपर 26। इस तरीके से हमने सभी पॉइंट्स को ये किए हैं। तो अब ये तमाम पॉइंट्स को फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है, बगैर स्केल के इसे हमें ज्वाइन करते जाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका मोर देन टाइप ओजीओ का ग्राफ। तो यहां पर याद रखने वाली मेन चीज क्या है, जब हम मोर देन टाइप ओजीओ यहां पर मालूम करते हैं तो नीचे से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और लेस देन टाइप ओजीओ में ऊपर से ऐड करते आते हैं, ये हमें गौर करने की बात। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।